हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशलेंद्र। वेलकम टू माय लाइफ पेज। आज मैं आपको आईटी ब्रॉडकास्ट के बारे में नॉलेज दूंगा। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने बीटेक में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया हुआ है, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना करियर की स्टार्टिंग करी 2012 फरवरी 2012। S3 न्यूज़ एक न्यूज़ चैनल था जो कि नोएडा से चलता था। उसके बाद वहाँ पे वर्किंग करते हुए मुझे 2.5 साल हो गए। देन उसके बाद आफ्टर दैट 2015 में मैंने स्विच किया और एक कानपुर बेस्ड एक लोकल चैनल था, के न्यूज़ 24/7, उस पर अपना करियर को मैंने आगे एक्सप्लोर किया। और वहाँ पे हाफ अप्रॉक्स 1 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद नाउ आई एम वर्किंग इन HNN 24/7, जो कि देहरादून से एक सेटेलाइट न्यूज़ चैनल रन कर रहा है और ये उत्तराखंड का एक लौता न्यूज़ चैनल है। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि आईटी ब्रॉडकास्ट होता क्या है। जैसा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे अदर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वैसे ही वर्क होता है, बट लेकिन क्योंकि हमारा प्रोडक्ट न्यूज़ है, हम अपने व्यूअर्स को उनके लोकेलिटी और उनके स्टेट और देश में क्या चल रहा है उसको न्यूज़ देते हैं। और न्यूज़ क्योंकि सेटेलाइट के थ्रू जाता है तो ऑफिस इन्वायरमेंट इंटरनली हमारा एक ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट्स होते हैं और कंप्यूटर इक्विपमेंट्स होते हैं। कंप्यूटर्स आईटी का पार्ट है, ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट जो कि सैटेलाइट पे हमारे जो अपने घरों पे जो टीवी पे चैनल्स के सिग्नल्स रिसीव करके चैनल्स को देखते हैं वो पार्ट जो है पूरा ब्रॉडकास्ट में होता है। पूरे डिपार्टमेंट को ब्रॉडकास्ट आईटी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ब्रॉडकास्ट आईटी में आना है तो ब्रॉडकास्ट आईटी के लिए क्या एजुकेशन आपको होनी चाहिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहला, आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए।